राजीव सैजल को कैबिनेट मंत्री की शपथ होते ही सोलन में खुशी की लहर देखी जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजीव सैजल के मंत्री बनने पर खुशी जताई और इस मौके पर लड्डू भी बांटे। आपको बता दें कि कांग्रेस हो या भाजपा, जिला सोलन से जीते नेताओं को 3 बार लगातार कैबिनेट में स्थान मिला है। पहले सोलन से राजीव विंदर स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस से धनीराम सांडिल मंत्री बने। अब तीसरी बार भाजपा की सरकार बनते ही सोलन से राजीव सैजल को कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजीव विंदर का क्योंकि सोलन से भी नाता रहा है, इसलिए सिरमौर के साथ साथ सोलन वासियों में भी उन्हें कैबिनेट में स्थान न मिलने पर निराशा देखी जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजीव सैजल को कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल करने पर जश्न मनाया और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सोलन से राजीव सैजल को मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सोलन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते जिला सोलन में खुशी की लहर है। वहीं उन्होंने कहा कि राजीव विंदर पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि राजीव विंदर तेज तरार नेता हैं और उन्होंने हर पारी बेहतरीन तरीके से निभाई है और वह यह जिम्मेवारी भी खूब निभाएंगे, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं में इस खबर से कोई मलाल नहीं है बल्कि सभी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। में हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे सोलन से अपनी डाउन टू अर्थ रहने वाली छवि के ऐसे डॉक्टर साहब को मंत्री पद से नवाजा है, उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आदरणीय जयराम जी का धन्यवाद करता है एवं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता है। आदरणीय बिंदल जी को स्पीकर बना करके मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरा पद होता है वो स्पीकर का होता है, अगर इस तरह का पद उनको दिया है तो हम धन्यवाद करेंगे जयराम जी का, सती जी का और पवन राणा जी का। उससे हाथ होने वाली बात तो किसी कार्यकर्ता में लगती नहीं है, जो मिला है वो ठीक है, वो अच्छा है और स्पीकर की तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है और हिसाब से उत्साह है सब में और उत्साह वर्वक तौर पर हाँ मैनेजमेंट गुरु हैं और बहुत तेज तरह नेता है, वही चीज़ आपको विधानसभा में एज ए स्पीकर भी मिलेगी। तरह तरह के रोल उन्होंने निभाए हैं, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, इस बार स्पीकर होंगे, तो उसमें कोई नाराज और निराश होने वाली बात नहीं है, इसमें तो खुशियाँ हैं और स्पीकर की पोस्ट तो मुख्यमंत्री की पोस्ट के बाद ही होती है। और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमारे जिला से राजीव सैजल जी जो कि एक शालीन नेता के रूप में जाने जाते हैं उन्हें मंत्री परिषद के रूप में नवाजा गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वह राजीव सैजल के मंत्री बनने पर खुशी मनाएं या राजीव विंदल को मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर निराशा जाहिर करें, क्योंकि राजीव विंदल को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। ये पद गरिमापूर्ण तो है लेकिन इस पद के राजनैतिक मायने नहीं है।